विधानसभा परिषद में नियम 115 के तहत सपा के आशुतोष सिन्हा ने पत्रकारों की सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि भ्रष्टाचार व अराजक तत्वों के खिलाफ खबरें लिखने वाले पत्रकारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है, इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए। साथ ही 20 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए। इसके अलावा नए पत्रकारों को 10,000 और वरिष्ठ पत्रकारों को 25,000 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिया जाए। इतना ही नहीं, अन्य योजना एवं आवास विकास व विकास प्राधिकरण की योजनाओं में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर लाभान्वित किया जाए। वहीं यूपी में कई जगह से पत्रकारों ने इस गंभीर मुद्दे को सदन में उठाने पर आशुतोष सिन्हा की सराहना की। माननीय, मैं सरकार का ध्यान पत्रकारों की सुरक्षा एवं उनके मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। पत्रकारों द्वारा सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध खबरों को उजागर करने में उन्हें निरंतर धमकियां मिलती रहती हैं और उनके साथ मारपीट एवं अन्य दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिससे इन कलमकारों की जान गंवाने का भी कई बार ऐसा होता है। इसके साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण उन्हें अपने परिवार का गुजारा करवाना काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही उनका 20 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज, नए पत्रकारों को 10,000 रुपया एवं 20 वर्ष तक कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को 25,000 रुपया प्रति माह गुजारा भत्ता, 1 करोड़ रुपए तक का जीवन बीमा, उन्हें अन्य योजनाओं से लाभान्वित करना एवं आवास विकास व विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भवन पब्लिक प्लॉट उपलब्ध कराया जाना जनहित में आवश्यक है। अतः जनहित में इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हैं।